मछली पकड़ रहे हैं? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हेलो 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 हेलो, कैसा है? बढ़िया। आप कैसे हैं? बोलिए। बहुत बढ़िया, ठीक है। बहुत अच्छा लगा, दिल से थैंक्स भाई आने के लिए। आपको भी दिल से थैंक यू होस्ट करने के। कहाँ से भाई आप? मेरा सब्सक्राइबर शायद नाम भी जानने के लिए चित होगा। नाम मेरा पूरा नाम है। काम क्या है मेरा? अभी तो लोगों का हॉस्पिटलिटी और खान पान रहन सहन किया, आप थोड़ा बताएंगे। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू ब्लॉग। स्वागत है और एक नया ब्लॉग के साथ। आज तीनों पूरा एक साथ ब्लॉग शुरुआत हो रहा है दोस्तों। एक्चुअली अभी सुबह बज चुका है 7:30 और अभी फिलहाल उठ के सब पहले बात तो बर्तन वगैरह सब धोया है मन्नत का मामी, एंड इसको जो भी करना है मैं भी क्लीन वगैरह किया है। सूरज तो निकला है लेकिन फॉग के कारण दिखाई भी नहीं दे रही है पूरा चारों तरफ। आज पता नहीं क्या हुआ, फॉग ही फॉग। पहले तो वह होने से धूप देता है, अभी ये लोग दोनों क्या कर रहे है। और है ना दोस्तों, कृपा भाई आ रही है आज, और एक टूरिस्ट आया था वहाँ पे घूमने के लिए, वो टूरिस्ट को यहाँ घुमाने के लिए लेके आ रही है। क्या कुछ भी सब्जी नहीं है, पता नहीं क्या बना देंगे, है ना मनत का पापा। कल मनत का पापा तीना का मछली लाया है और अंडा लाया है और दाल बना देंगे और क्या। उस दिन भी जंगली सब्जी ढूंढने के लिए गया था वो मेहमान के लिए, बट केला का फूल है वही बना देंगे, है ना। और भी नहीं है ना, क्या बना देंगे। और कल बाजार वगैरह भी नहीं गया था, लोग चिकन वगैरह ला सकता था, लेकिन पहले देखा होगा आप लोगों ने जब मेहमान वगैरह आता है ना तब हम लोग मुर्गी काटते थे। अभी फिलहाल के लिए हम लोग के पास मुर्गी भी नहीं है और दूसरों से खरीदने से भी नहीं मिलता है, मतलब अपना टाइम में नहीं मिलता है। जब अपना नहीं लगता है, जब अपना जरूरत नहीं है उस टाइम बेचता है लोग, जब जरूरत पड़ती है उस टाइम नहीं बेचता है ना, तो ऐसा ही होता है। क्योंकि आप लोग देखा होगा जो बर्ड फ्लू आया था ना उस टाइम सभी का मुर्गी मुर गया था, तो इसी कारण थोड़ा कम भी हो गया गांव में मुर्गी वगैरह। ज्यादातर लोगों के पास भी मुर्गियां नहीं है अभी, हाँ। क्योंकि सब खत्म हो गया था। हम लोग का देखा होगा छोटा छोटा, नहीं तो हम लोग का जो सिस्टम है, सिस्टम मतलब मैं ये नियम बोलूंगा, हाँ। कि जब मेहमान वगैरह आते हैं ना पहली बार तो हम लोग मुर्गी काट देते थे, लेकिन नहीं है, क्या करेगा, मजबूरन है, तो उसी से जो भी है उसमें खिलाएंगे दोस्तों, क्या करें। 7:46 हुआ है दोस्तों, अभी खाना बनाना स्टार्ट करेंगे। वो लोग पहुंचने से पहले हम लोग पूरा सब्जी बना के रखेंगे, अगर राइस तो अभी बनाएगा तो पूरा ठंडा फर जाएगा। वो लोग 10 बजे ऐसे पहुंचेगा यहाँ पे बोला है। क्या बना दे वीडियो में ले लो बोलता है ना। हाँ वीडियो में ले लो बोलने बोलता है, बस हो गया बाबा। अभी सब्जियाँ इकट्ठा कर रही हो दोस्तों, क्या क्या बनाऊंगी देखती हूँ। पिदलहत पान भी है अभी भी, लेकिन हम लोग नहीं खाया है पिदलहत पान। है सब्जी लेकिन ये सब्जी से अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि नया मेहमान है ना, एक बार भी नहीं आया है। जरूर चिकन से खाना चाहिए था, लेकिन क्या करें, यहाँ से बना देते हैं। क्या क्या बनाएंगे बहुत ज्यादा सब्जियाँ बनाएंगे आज, है ना। चिकन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कृपा भाई को बोला था मैंने, अगर मछली वगैरह मिलता है तो आधा रास्ते पे लेके आना, हाँ। वो पैसा वगैरह हम लोग दे देंगे, हाँ। तो अभी एकदम तोड़ के रखा है मन्नत का मामी, छोटा छोटा पीस करके, और यहाँ पे ये भी बॉयल करेगा, और मैं तीना का मछली, ये इसी से काम चलाना पड़ेगा। मछली जैसा ही है दोस्तों, मछली से ज्यादा और टेस्टी है ना मन्नत का मामी ये। और अंडे मैंने कल ऑलरेडी ला के रखा था, अभी हम लोग जंगताई देखने के लिए जाएंगे बापू और मैं। बाबा चलो जंगताई, जो ना जंगताई मिलेगा तो चटनी बना देंगे, क्योंकि ड्राई फिश भी है हम लोग का पास और गोभी भी है बंदा गोभी, और जंगताई मिलेगा तो कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया रहता है, चटनी बना के खिलाएंगे। तो भाई हम लोग जंगताई देखने के लिए गया था, जस्ट हम लोग घर से बाहर निकला हुआ है, हम लोग को सामने जंगताई बेचने के लिए आ रहा है। देखो ये ले लेंगे यहाँ पे, ये इसको बोलते है जंगताई, होदोगे नहीं पूरी देगा, 20 रुपीज है, तो एक मोटा तो ले लेंगे हम लोग, लंबा लंबा तो है देखो, फिर भी अच्छा है, हो जाएगा ना, अपनी भी बना के खिलाएंगे। एक लेगा कि दो लेगा पता नहीं, यहाँ पे 6 है ना, 6। तो जोंगताई भी ले लिया है, अभी मन का हमें बारी है कि बनाना, और थोड़ी देर में हम लोग नीचे में इसका सिल्का कौन निकालेगा, ठीक है मैं निकाल देता हूँ ना, आपको हेल्प कर लेता हूँ ना, पूरा बनाएंगे ना, सब बनाएंगे। बाबा मेरा फेवरेट है। पहले नहीं कहता था, ये आजकल फेवरेट बन गया इसका, हांगू हांगू टाइम भी आ रहा है ना, हांगू बोलते हैं हम लोग,
बहुत ही टेस्टी वाला खाऊंगी। भी नहीं खाते थे, ये भी नहीं खाते थे। अभी जग्गे का छिलका मैं निकालूंगा, ये ऊपर का बहुत ही मेहनत होता है दोस्तों, काफी मेहनत है ये खाने से, लेकिन टेस्टी ज्यादा है। जो चीज ज्यादा मेहनत है उस चीज का फल भी मीठा होता है दोस्तों, इसलिए मेहनत ज्यादा है और टेस्टी भी ज्यादा है। लगातार जी जान काम कर रही है, हस्बैंड वाइफ काम कर रही है दोनों मिल बात के, बहुत ही अच्छा लगता है मिल बात के काम करने से, है ना। उसका उसका फीलिंग अलग है दोस्तों, दोनों मिल बात के काम करेगा ना, लेकिन अलग अलग करेगा तो उसका फीलिंग अलग होता है, प्यार बढ़ जाता है, प्यार प्यार। लाई पत्ते तो बॉयल हो चुका है दोस्तों, और गोभी बॉयल हो रही है, और वीडियो को देखते रहना दोस्तों। चैनल पे नया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और एक एक करके क्या बना रही है क्या कर रही है दिखाते जाएंगे हम दोनों। बढ़िया तरीके से सिलका निकाल दिया, बाबरे बहुत ही अच्छा देख रही है, पूरा क्लीन, एक भी ग्रीन करके दिखाई नहीं दे रही है, बहुत बढ़िया हो गया ना। हाँ, अभी मैं जितना हेल्प करना था हेल्प कर लिया है दोस्तों। यहाँ पे अंडा का छिलका भी निकाल के रख दिया है, और ये फ्राई करेगा दो पीस करके मन का में, और जंगता है कितना बढ़िया है भाई, एकदम मस्त। और यहाँ पे बन रहा है फिडेल पन्ना, फिडेल पन्ना बाकी थोड़ी देर में सब रेडी हो जाएगा। अभी जाएंगे हम लोग बापू और मैं कृपा भाई को वेट करने के लिए वहाँ पे। अरे हम लोग दोस्तों और बापू जा रहे हैं आगे आगे, वो जंपर भी निकाल दिया, गर्मी लग रहा है बोल रहा है, और मैं जंपर चेंज किया है, अभी देखते हैं कितना बजे आते हैं लोग। ऐसे में दोस्तों एक्चुअली यहाँ पे वेट करेंगे, इस तरफ होके आएगा, वहाँ पे जो देख रहा है ना हम लोग उस दिन जो स्नेल वगैरह धुने के लिए आता है वो पानी से होते आते हैं, नीचे रहता है कृपा भाई, और इस तरफ होके ही आएगा, यही मेन रास्ता है। और जो अभी हम लोग सुबह जोंगताई लिया है, ये इसका फेर है, ऐसा ऐसा होता है इसका फेर, देखो आप लोग नहीं देखा तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ये फेर है देखो। कृपा भाई को हम लोग नीचे में वेट करते करते अभी जा रहे हैं, क्योंकि बापू को भूख लग रहा है, जाओ बाबा, मैं तो खाना नहीं खाऊंगा, बापू को खाना खिलाएंगे, चलो जाओ, और कृपा भाई को घर में ही वेट करेंगे, चलो जाओ जाओ जाओ। मामी जाके मैं और आ गया नीचे में दोस्तों, जहाँ से हम लोग सुबह वेट कर रहा था ना बापू के साथ, वही जगह में आ गया, और बोट का आवाज़ सुनाई दे रहा है मेरे को, शायद वो लोग आ रहा है मेरे ख्याल से, दो ही जोन आ रहा है, मैंने फ़ोन किया है कृपा भाई को, और लोकल मछली भी लेके आ रहा है, क्योंकि मैंने बोला है लोकल मछली मिलेगा तो लेके आना, कुछ भी सब्जी नहीं है, और इसलिए वो मिला है, शुक्र है, उन लोग को मछली के साथ खाने के लिए भी मिलेगा। और वो बोट का आवाज़ अभी सच सुनाई दिया मैंने, थोड़ी देर में पहुँचेंगे, यहाँ पर वेट करूँगा मैं। उस रास्ते से आ गया मैंने, इधर भैया का इधर से वेट कर रहा हूँ, वो कृपा भाई को अभी तक पहुँचा नहीं, देखते हैं कितना, अभी जस्ट पहुँचेगा बोल रहा था, फ़ोन किया है मेरे को, अभी आधा रास्ते में लेने के लिए जा रहा हूँ। ओ पहुँच गया है कृपा भाई, यहाँ पे देखिए कैसा, हाँ वो मछली पकड़ रहा है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। हेलो 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 हेलो, कैसा है, बढ़िया, आप कैसे हैं, बोलिए। बहुत बढ़िया, ठीक है ना, कैसे आना हुआ, दे दो मेरे को। सुबह से वेट कर रहा था मैं आप लोग को, हम लोग कितना लगभग एक घंटा से ज्यादा ही लग गया ना हम लोगों को, लग गया तो उसमें आप लोग सब्जी वगैरह तोड़ा है ना, ये भी यहाँ पे मिलता है, क्यों लेके आया, ठीक है कोई बात नहीं। तो घर में पहुंच गया है दोस्तों, और घर में पहुंचने के बाद अभी यहाँ पे बाइक को बैठा है भाई, हाँ, और बाकी अभी चाय वगैरह अभी ऑफर नहीं किया है हम लोगों ने, क्योंकि इतने देर में खाना खाने वाला है हम लोग, अभी चाय वगैरह ऑफर करेंगे तो और भूख मिट जाएगा, तो इसी कारण पहले ये लोग मछली जो लेके आते ना, ये लोकल मछली देखो भाई साहब, इतना सारा मछली लेके आए ना कृपा भाई, ये देखो, और ये मछली अभी बनाएंगे, इसको पहले क्लीन करूंगा मैं, उसके बाद उन लोग के लिए बना देंगे, खाना खाएंगे फिर, और पहली बार तो खाना वाना खाएंगे, फिर उसके बाद भाई का परिचय, अभी फिलहाल के लिए मनन के मामी के साथ बात कर रहा है, और कृपा भाई भी बैठा हुआ है वहाँ पे, और खाना वगैरह खाने के बाद ही मतलब इंट्रोडक्शन वगैरह पूछेंगे। तो मछली लाया है ना दोस्तों, ये मछली बना दे रही हो, इन्हीं मछली यही मछली से उन लोग को मेहमान नवाजी करेंगे आज। मछली भी हो चुकी है दोस्तों, ये लोग पहुंचने से पहले मैंने सब्जियां पूरा रेडी करके रखा है,
राइस भी रेडी और वो लोग मछली लाया है ना वो भी हो चुकी है। अभी जाएंगे खाने में, बहुत ही भूख लग रहे है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा। तो अभी आ चुका है लंच का बारी दोस्तों। पहले से हम लोग ऑलरेडी मन का हमें जो लंच तैयारी करके रखा था, खाली भाई लोगों ने जो कृपा भाई और भाई लोगों ने जो लेके आया था मछली, लोकल मछली। फैजल भाई, हाँ फैजल भाई, मेरा नाम है रेजा फजल। रेजा फैजल, फैजल हाँ हाँ फैजल, फैजल भी शॉर्टकट में फैजल भी बोला सकते हैं ना भाई। नॉर्मली ज्यादातर लोग रेजा ही बोलते हैं। रेजा है ना, रेजा और इजी होता है ना लोगों। हाँ रेजा, रेजा भाई। और अच्छा से खा लो भाई, बहुत ही अच्छा लगा आप आया इतना तकलीफ करके। बहुत ही मुश्किल है जो बोट में है ना आपका, शायद पहली बार होगा ये सब बोट सफर। नहीं ये पहली बार तो नहीं है, हाँ। मतलब यहाँ पे ऑब्वियसली पहली बार है। किरबा भाई के साथ तो अभी 3 दिन से घूम रहे हैं, मेरे लिए कष्ट तो नहीं है, मेरे लिए एडवेंचर है। भैया लोग के लिए कष्ट कष्ट जिंदगी यहाँ पे। और थैंक यू फॉर होस्टिंग मी खाना के लिए, फूड के नहीं, लिए। नहीं नहीं नहीं, हम लोग का तो ये फर्स है भाई। हालांकि जैसे आप लोग सीधा यहाँ पे नॉर्मल सब कोई खाते हैं, हम लोग वहाँ पे तो नहीं खाते ना, तो थोड़ा सा हमारे लिए स्मेल ही होता है। लेकिन मैं फूड को डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहता, कोई भी फूड हो, फूड का एक ही रिलीजन होता है, फूड फूड है। सुअर हो, गाय हो, कुछ भी हो, सब अपना अपना है ना भाई। क्योंकि खाना के वजह से ही पूरा दुनिया चल रहा है, और खाने के लिए ही लोग मारा मारी काटा काटा जी 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 सही बात। थैंक यू फॉर होस्टिंग मी और खाने के लिए। नहीं भाई नहीं, ये तो हम लोग का फर्ज है, कोई बात नहीं, आप खा लो भाई। भाई आपके इधर अभी तक आपके घर में कोई भी ऐसा आया है क्या? ये नहीं आया, नहीं आया। मेरा मन में कुछ था ना, मेरे पास तो जैसे कि 12-13 लोग आया हुआ है, टूरिस्ट लोग आते रहते हैं बाहर से, वो भी नॉर्थ ईस्ट का नहीं है, बाहर का है, तो क्यों ना भाई आया है तो मतलब उसका गवर्नमेंट सही किया भाई, एकदम सही किया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और कभी कभी भी दूसरा आदमी आते कभी ऐसे और भी लेके आना भाई, और आएंगे उसको भी लेके। और बहुत अच्छा लगा, दिल से थैंक्स भाई आने के लिए, आपको भी दिल से थैंक यू होस्ट करने के लिए। कहीं नहीं, शुक्रिया। और यहाँ पे देखिये पहली बार तो अभी सब्जी दिखा था आप लोग को, ये है अंडा फ्राई कर दिया उनका हमें, और हम लोग जो खाते है फिदेलतपन, बाकी यहाँ पे है मिर्च जो ड्राई फिश के साथ, बाकी जो ये डिब्बा वाला में जो तीना मछली मिलता है ना आप लोग को जो दिखाया आगे में वही वाला है, बाकी ये लाई पत्ते, ग्रीन वेजिटेबल बॉयल, और यहाँ पे है चटनी, सलाद, और ये ड्राई फिश, जंगटाई, मिर्ची, बस प्याज और बंडा गोभी, और यहाँ पे बंडा गोभी बॉयल, और भाई लोगों ने जो लेके आया था लोकल मछली, कृपा भाई लोगों ने जब भी आते हैं ना ये वो लोग ही मछली, हाँ खाना खिला रहा है, मेहमान नवाजी अच्छा से कर नहीं पाते है हम लोग यहाँ पे। लेकिन हम लोग का एक नियम है ना भाई, जब यहाँ पे जो नया मेहमान आते है ना, नियम ही बोलूंगा मैं, नियम तो नहीं है, जैसे लोकल मुर्गी हम लोग खा के खिलाते है उसको, मतलब बना के खिलाते हैं। फिलहाल के लिए अभी नहीं है मेरे पास, लेकिन यहाँ पे जो बर्ड फ्लू आया था ना उस टाइम सभी लोगों का मुर्गी गांव वाला को भी मर गया था, हाँ बर्ड फ्लू के कारण। तो इसी के कारण हम लोग दूसरा से दुनिया से भी अभी कम मिलता है, नहीं मिलता है बिल्कुल, तो वो मिलता तो हम लोग को लोकल चिकन के साथ खिलाता आपको, वही खाने के लिए नहीं मिला, वो मन में थोड़ा दुख लगा। वही कृपा भाई को भी पता है, हम लोग जब रूपम भाई आया था उस टाइम भी खिलाया था हम लोग लोकल मुर्गी। भाई तो थर्सडे को पहुंच गया था ना मेरे गाँव जी, मैं थर्सडे को पहुंच गया था, मैं उसको पूछा भाई सीरियल कहाँ पाएगा, दिखा दिया दुकान ने, लेकिन कहाँ पाऊंगा, आपसे ट्राई करना है बोला। फिर आके मैं ट्रेसर की मम्मी को बोला था थोड़ा सा भाई के लिए वो बना दो वेली से, लेकिन बना नहीं दिया, खाली सीरियल सीरियल था उसी टाइम। फिर खाते था मेरे को पूरा इतना मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि भाई खा नहीं पा रहा था ना, और उसमें उसका थोड़ा मतलब क्या बोलता है अलग थोड़ा फेस, मतलब स्मेल, हाँ, फेस अलग देखा, मैं इसको पूरा धोखे हो गया था। फिर कल जाके सीधा दाल लेके आया और आलू लेके आया, कल खाया खाना खा पाया उसके दूसरे दिन तो अच्छा लगा मुझे। तो क्यों, और भैया जैसे बोल रहे उनको बुरा लग रहा था, मुझे बुरा लग रहा था कि मैं यहाँ पे आके अगर वैसा फेस बनाऊं तो आप लोगों को बुरा लगेगा कि नहीं, आप नहीं, लोग नहीं, को लग रहा है कि मैं फूड को डिसरेस्पेक्ट कर रहा हूं, नहीं, तो नहीं, नहीं, वैसा नहीं वो है। नहीं है जो नहीं खाते है भाई, वो दिल से जो नहीं खाते वो क्या बुरा लगना भाई ना, जो खा नहीं सकता, जो सी साहब नहीं खा रहे ना वो क्या गलत हो सकता है, क्या बुरा लग सकता है ना, हम लोग का भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जो नहीं खाते है ना खा लेते हैं फटाफट, और उसके बाद मिलते हैं दोस्तों। खाना वाना खा के दोस्तों पानी आ रही थी, और मनोज का पापा पानी ले रही थी, और बाइक के साथ बहुत गप्पे सप्पे मार रही है, और हमें भी मार रहा है बहुत, देखो ठंडा ठंडा हवा भी आ रही है। डांस वगैरह करने के बाद दोस्तों रेस वगैरह भी बहुत किया है, और पानी आया था, मैं पानी भी वहाँ से उठा के घर में रखा है, और भाई ने लंच वगैरह खाने के बाद और ये भी रेस वगैरह किया है, और अभी थोड़ी देर में ये लोग जाने वाला है, मैं इन लोग को बोल रहा हूँ कि आज रह जाओ आज, नहीं कि कल इसको निकालना है बोल रहा है,
मुझे कल निकलना है अर्ली मॉर्निंग 4-5 बजे तक। कल मार्केट बैठेगा ना डेमागिरी पे, तो वही जाएंगे, बोट से जाएगा ना। हाँ, बोट से जाएंगे, फिर चौंगते की ओर निकलेंगे। चौंगते की ओर जाएगा, ओके। और कृपा भाई भी जाएगा, क्योंकि आज रह जाता तो इसका टाइम नहीं है ना, क्योंकि टूरिस्ट का टाइम नहीं रहता है यार। ये जो लोग घूमते लोग लिमिटेशन करके आता है ना, मेरा तो 4 दिन हो गया, 4 दिन हो गया जी। कृपा भाई का आधार है ना मेरा, यहाँ से तुरंत आ जाता है लोग तुरंत जाता है। और बापू एकदम मिल गया, देखो भाई के साथ एकदम फ्रेंडली, पूरा जल्दी मिल जाता है ये के साथ भी। अगर यही रास्ते पे एक बुद्धा आदमी देखने से भी वो कहा गया, पूछते रहता है, पूछते रहता है। ये बहुत मुंह उसका चालू है। हेलो हेलो, अभी भाई से कुछ पूछेंगे। आप कहाँ से भाई आप? मैं कोलकाता से 68 किलोमीटर दूर एक प्लेस है, तारकेश्वर नाम है। तारकेश्वर गांव का नाम है? नहीं, वो गांव नहीं है, म्यूनिसिपल है। हाँ, म्यूनिसिपल ई कैटेगरी का म्यूनिसिपल है। हाँ, और ये आपको हावड़ा स्टेशन से 1 घंटा 40 मिनट लगता है लोकल। हाँ, ट्रेन में। ओके, तो वहाँ पे मेरा घर है। हाँ, तो वहीं से है हम, मतलब ये लोकल ट्रेन मिलते रहता है हावड़ा से। हाँ, वहाँ पे इजीली है, मतलब फर्स्ट ट्रेन हम लोग का छोड़ता है 3:50 में मॉर्निंग। हाँ, और लास्ट ट्रेन है 11 बजे रात को, 11 बजे रात को 11 बजे। टोटल 24-25 ट्रेन चलता है, मतलब हर 40 मिनट आधा घंटा में एक ट्रेन मिलता है। और आपका हमारा तारकेश्वर जो हुआ, ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो रिलीजियस टूरिज्म का मैप है ना, उसमें वन ऑफ द रिलीजियस टूरिज्म का मैप में वन ऑफ द प्लेस है। मतलब अगर तीन, अगर मान लीजिए हम लोग का टॉप 3 रिलीजियस प्लेसेस में एक है हमारा है तारकनाथ का, वहाँ पे मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। ओके, थैंक यू आपका लोकेशन देने के लिए। और मेरा सब्सक्राइबर शायद नाम भी जानने के लिए मतलब उचित होगा नाम। मेरा पूरा नाम है मोहम्मद रेजा फजल अंसारी, शॉर्ट में सबको मुझे रेजा ही बोलते, रेजा ही बोलते हैं। और रेजा से कल के बाग को पूरा बुलाते हैं। और हो, अगर उसका लोकेशन दिया है, उसका गांव से देख रहा है, तो कमेंट करके जरूर बताना गाइस। अली आप काम क्या है आपका? मेरा अभी तो मैं सिक लीव में हूँ, मैं पॉलिटिकल कंसल्टेंसी में काम करता हूँ। प्रशांत किशोर नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, सबसे पहले उन्होंने मोदी जी के साथ काम किया था जब मोदी जी 2014 में पहला बार आए थे, तो उनके साथ काम किया था। उसके बाद 10 CM है अभी इंडिया का, जो 10 CM के साथ उन्होंने काम किया। लास्ट उनका प्रोजेक्ट था वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में ममता बनर्जी के साथ और M.K. स्टालिन के साथ। अभी वो खुद का प्रोजेक्ट में है बिहार पे ही, अपना स्टेट में, तो मैं उनके प्रोजेक्ट में बिहार में काम करता हूँ। ओके, तो इसके कारण यहाँ पे आया ना घूमने के लिए। और यहाँ पे रहन सहन कैसा लगा आप लोगों को, लोगों का हॉस्पिटलिटी और खान पान रहन सहन कैसा आपको मतलब फील किया, आप थोड़ा बताएंगे एक वर्ड में अगर बताए तो इनक्रेडिबल। हाँ, इनक्रेडिबल इंडिया है ना, ये भी इंडिया का पार्ट है, इनक्रेडिबल है। okay. लोग तो बहुत फ्रेंडली हैं, हॉस्पिटलिटी बहुत गजब का यहाँ पे। और मैं तो जैसे घूमते रहता हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस से मुझे यही मालूम है कि आप कहीं भी इंडिया में कोई भी गांव में चले जाओ, आपको हॉस्पिटलिटी मिलेगा। और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट का जो हॉस्पिटलिटी है ना, सिर्फ मिजोरम नहीं, नॉर्थ ईस्ट का हॉस्पिटलिटी टॉप ऑफ द बार है, मतलब एकदम टॉप क्वालिटी का होता है। और एक स्पेशल चीज यहाँ का यह है कि लोग जो है ना, यहाँ पे चोरी चकारी बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं है। जीरो लोग है, आपको नहीं बेवकूफ बनाएंगे, आपसे लूट लाट। ये हमारा वहाँ पे प्लेन्स में जैसा होता है, स्कैम वगैरह नहीं होते, पिक पॉकेटिंग हो गया। हाँ, ये सब वो तो दूर का बात है। यहाँ पे अगर आपका सामान कहीं गिर जाए तो लोग उसको उठा के अच्छे से रख देंगे। आप अगर 7 दिन बाद 8 दिन बाद 1 महीना बाद भी आओगे तो आपका सामान वहीं पे आपको रखा मिलेगा। तो ये जो चीज है ये सबसे गजब का चीज है। तो आप लोग नॉर्थ ईस्ट आइए, नॉर्थ ईस्ट घूमिए और टूरिज्म को प्रमोट कीजिए। और लोकल जो यहाँ पे लोग रहते हैं, यहाँ का लोकल इकोनॉमी में भी आप कंट्रीब्यूट करिए, क्योंकि ये हमारा देश है। यहाँ पे आप कंट्रीब्यूट करेंगे तो अल्टीमेटली ये हमारा देश का GDP में ही आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। थैंक यू भाई, कम टू नॉर्थ ईस्ट और घूमिए घूमिए, एंजॉय कीजिए। मतलब यहाँ आना चाहते हैं किसी को भी, अगर वातावरण है तो मेरा नंबर तो ऑलरेडी भाई जो है उसमें दे दिया है, आप एक बार नंबर शेयर भी कर दीजिए। हाँ, भाई जो है लिंक में दे देगा, नीचे मेंशन कर देगा। हाँ, आप लोग वैसे उठा के आप लोग फोन मारना, फोन करना अगर आना चाहते हो तो। भाई जैसे आया था कांटेक्ट करके, ये शायद कृपा भाई का नंबर को जो नोमैडिक इंडियन भाई से मिला है, मिला है इनके पास, जो आता है कृपा भाई के पास, वो नोमैडिक इंडियन से ही, उसका ब्लॉग से ही उनको नंबर मिलता है। नंबर मिलता है। खैर एक बार फिर से भाई को प्रमोट करना चाहूंगा, क्योंकि
भैया का यही कहना है कि आप आओ जितना दिन भी रहो, उनका कोई डिमांड नहीं है। और भैया भी मान लीजिए अनएम्प्लॉयड ही है, उनका भी इनकम जीरो है, तो आप आइए उनके पास रहिए, बहुत अच्छे होस्ट है वो, बहुत अच्छे होस्ट है। थैंक यू भैया, और हेल्प कीजिए उनको, क्योंकि लास्टली मैं ये कहना चाहूंगा कि थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस फॉर होस्टिंग मी एंड प्रोवाइडिंग फूड, क्योंकि हमारे वहाँ पे हिंदू कल्चर में फूड को अन्नपूर्णा कहते हैं, अन्नपूर्णा देवी है, तो आप लोगों ने मुझे खिलाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं भाई, इतना क्योंकि हम लोग का भी पर्स है दोस्तों, अगर ऐसा नहीं है खाली अभी आस आया है इसने, आज ही हम लोग इससे मेहमान नवाजी किया है, और जितना भी रहे हम लोग उसे ही मेहमान नवाजी, जितना भी हम लोग का हो सके उतना दिन हम लोग साथ, तो आप एक हफ्ते भी रह जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरा घर में, जो भी हम लोग खाएंगे, कुछ भी टेंशन नहीं। रहा था कि एक साल आप रह जाओ, जैसे कि मेरा सिदौल का लेके थोड़ा स्मेल का इशू है, भाई को मैं बोल रहा था एक साल अगर मैं रह जाऊंगा तो सिदौल तो आराम से मैं भी खाना सीख जाएगा। सही बात बोला, एकदम करेक्ट बात बोला है। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा, सिर्फ यहाँ का लोगों से सुना है इसके लिए नहीं, जितना मैंने पढ़ा है, जितना रिसर्च किया है, कि देखिए यहाँ पे जो है हेल्थ सिस्टम ना बहुत खराब है, खराब है, डॉक्टर वगैरह नहीं मिलता है, क्लाइमेट ऐसा है, तो खाना और आपका जो शरीर का गठन होता है, फिजिक जो होता है, और जो लैंग्वेज हम लोग बोलते हैं, इसका ये क्लाइमेट और आपका ये जो एरिया होता है रीजन, मतलब टेरेन वगैरह हुआ, जियोग्राफी हुआ, इसके ऊपर बेस करके खाना भी आपको उस जगह के अनुसार मिलता है। तो यहाँ पे जैसे आपको हेल्थ केयर उतना अच्छा नहीं है, तो लोग यहाँ पे सिदौल खाते हैं, क्यों खाते हैं, क्योंकि इसका मेडिसिनल बेनिफिट्स है, लोगों को यहाँ पे डॉक्टर वगैरह नहीं मिलता है, तो लोग वही खाते हैं, इसलिए वो उनका तबीयत जब भी खराब होता है तो वो लोग का तबीयत ठीक हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, लोग बोलते हैं आप लोग क्या कुछ खाते हो, आप लोग चिंकी दिखते हो, आप लोग चाइनीज हो, ये सब गलत है, चिंकी स्लैंग है, चाइनीज तो नहीं है यहाँ पे लोग, सब हमारे इंडियन ही है, सब इंडियन भाई, एक्सप्लोर कीजिए, जब तक नहीं आइएगा, जब तक ट्राई नहीं कीजिएगा तो आपको पता कैसे चलेगा, आप कुछ नया चीज ट्राई कीजिएगा तब ना उसके बारे में पता चलेगा। तो क्या चीज है वही मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आइए आप लोग घूमिए, देखिए कल्चर, यहाँ का जियोग्राफी, यहाँ का लोगों का हॉस्पिटैलिटी। थैंक यू सो मच भैया, इतना हम लोग का नोटिस को प्रमोट करने के लिए, और बहुत ही अच्छा लगा दिल से। अभी थोड़ी देर में हम लोग उस तरफ घूमेंगे ना भैया, थोड़ा वहाँ पे जो पानी में जो आता है गाड़ी वगैरह पार होते हैं वो दिखाएंगे आप लोग को, है ना कृपा भाई, फिर उसके बाद आप लोग आराम से जा सकता है ना, गाड़ी पार होते हैं हम लोग वहाँ पे पहुँचा पे, देखिए यही मतलब पार होना पड़ता है, इसको ही पार होना पड़ता है, हम लोग जब गाड़ी वगैरह आता है ना तो ये पहले ये पार होना पड़ता है, तब जाके हम लोग का पार में गाड़ी मिलता है। वहाँ से भी आ गया हम लोगों ने दोस्तों, जो गाड़ी पानी जो है पार होता है ना गाड़ी, उसमें भी आ गया, अभी घर में जाएंगे क्योंकि भाई लोगों को भी जाना है, कृपा भाई और ये क्या नाम भूल जाए, रेजा भाई, हाँ रेजा भाई और कृपा भाई को, दोनों को जाना है घर, आ चुका है टाइम वो लोग को बाय बाय देने के लिए दोस्तों, बाई को बाय बाय देने के लिए और कृपा भाई को भी बाय बाय देने के लिए, और आना भाई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इतना अच्छा से मेहमान नवाजी, तो जरूर आएंगे, हॉस्पिटैलिटी तो बहुत अच्छा लगा मुझे, मौका मिला तो फिर आएंगे जरूर, इतना अच्छा से मेहमान नवाजी तो कर नहीं पाए, इसके लिए भाई आपने बहुत दिल में अच्छा मेहमान नवाजी किया है। बाइक का मैं एक काम कंप्लीट नहीं कर पाया, वो फिशिंग करना था, फिशिंग नहीं हो पाया, actually. नहीं हो पाया कोई बात नहीं, एक्चुअली हम कल फिशिंग करने ही वाले थे, लेकिन दो वहाँ के लोग थे जो फिशिंग कर रहे थे दो तीन घंटा पहले से, तो हम लोगों ने उनसे पूछा कि क्या एक भी फिश मिला, तो उन्होंने बोला कि एक भी नहीं मिला, तो इसी कारण उन्होंने ड्रॉप कर दिया। ओके ओके कोई बात नहीं, वो भी ठंडा भी लगता है ना। ओके ओके बाय बाय बीबी, वहाँ तक मैं सोने के लिए आऊंगा आप लोग को, ताकि मैंने छोड़ दिया है इन लोगों को, ठीक है भाई, बाय बाय, और आना फिर कभी, हाँ एकदम बिल्कुल, आप भी मेरे घर आइए, एक हाथ दे दो जब आना है, हाँ ठीक है, आपको भी आशा करते हैं, आपने जैसा खातिर किया आपको भी देंगे, हाँ जरूर जरूर, एक हाथ हो जाए वो तो होगा ही, हाँ चलो 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 चलो, हाथ हाथ करते, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, मिलते कोई बात नहीं, ओके थैंक्स थैंक्स, ये भी जा रहा है ना, ये भी जाने का मन कर रहा है, देखो आजा बाबा, नहीं जाना, आजा नहीं जाएंगे हम लोग, आजा, और भाई को मन में दुगला कुछ भी दे नहीं पाया यार, नहीं नहीं क्या, अरे आपने खाना खिलाया है, वही खाना तो कोई भी देता है यार, नहीं नहीं बहुत है बहुत है बहुत, ठीक है भाई बातचीत करते रहेंगे, आपका नंबर भी है मेरे पास, व्हाट्सएप में नंबर है, बातचीत होते रहेगा, हाँ जी जी ठीक है ठीक है, बाय 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 बाय।
तो कृपा भाई को सोने के बाद आ गया हम लोग वहाँ से दोस्तों, मैं और मनोज कामी और बापू देखो, और थोड़ी देर में रात भी होने वाला है। और आज के लिए बस इतना ही, कैसा लगा ब्लॉग को कमेंट करके जरूर बताना, अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और पहली बार चैनल को विजिट कर रहे तो सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में दोस्तों, बाय बाय।